फ्रेंड्स, लेबलिंग की आज की क्लास में बात करते हैं चार टॉपिक के बारे में। मैंने आज के टॉपिक ले रखे हैं लेबल सरफेस, लेबल लाइन और हॉरिजेंटल प्लेन और वर्टिकल प्लेन, और इनके साथ साथ बात करेंगे हम हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन के बारे में। तो जितने भी सिविल के ऐसे स्टूडेंट जो अक्सर कंपटीशन के एग्ज़ाम देखते रहते हैं, तो हम इन लेबल के कॉन्सेप्चुअल, ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, ये लेबलिंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। और इन टॉपिक से, इन चारों टॉपिक से कम एक सवाल हमारा इसमें अक्सर हमें देखने को कंपटीशन के एग्ज़ाम में मिलता है। तो क्या होता है ये सारे पॉइंट्स के बारे में चर्चा करते हैं, हम जानते हैं कि ये इस पॉइंट से हम किस तरह से क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं समझाता हूँ, ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पर आपको बोर्ड को बनाकर दिखा रखा है, इस डायग्राम के बारे में मैं समझा देता हूँ, क्योंकि अगर ये डायग्राम आपको ठीक से समझ में आता है तो फिर इस टॉपिक को हम आसानी से समझ पाएंगे। तो देखिए, इस डायग्राम में मैंने यहाँ पर आपको दिखाई पूरी, मैंने अर्थ का एक कोई बहुत छोटा सा पार्ट ले लिया है और उस पार्ट में मैंने इसको अर्थ का सेंटर से इंडिकेट कर रखा है। इस पॉइंट को, ये जो मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा रखा है, ये हमारा अर्थ के सेंटर पॉइंट की तरह इंडिकेट करेगा। दूसरा, मैंने यहाँ पर एक रेड कलर की यहाँ पर लाइन बना रखी है, और जो ये रेड कलर की लाइन है मैंने यहाँ पर लिख रखा है NSL। NSL का मतलब है नेचुरल सरफेस लेवल, यानी प्राकृतिक भूमि तल। ये हमारी जो नेचुरल ग्राउंड लेवल है उसको मैंने यहाँ पर एक रेड कलर की लाइन से शो कर रखा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेवल सरफेस के बारे में कि आखिर लेवल सरफेस से रिलेटेड हमारे कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है जानना, और क्या होता है लेवल सरफेस। मैंने क्या किया, एक ऐसी इमेजिनरी प्लेन ले लिया, एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस ले लिया जिसकी अर्थ से दूरी समान है। देखिए, यहाँ पर मैंने एक अर्थ, एक प्लेन, ये सरफेस ले रखी है, और मैंने ये माना है कि इस अर्थ, इस सरफेस पर जितने भी पॉइंट स्थित हैं, ये जितने भी पॉइंट मैं यहाँ पर स्थित कर रहा हूँ, इन सभी पॉइंटों की हमारे अर्थ से डिस्टेंस सेम है। अर्थ से, अर्थ के सेंटर से हमारी डिस्टेंस हमारी कैसी है, सेम है। दूसरा, मैंने एक और यहाँ पर सरफेस ले रखी है, एक और लेवल सरफेस ले रखी है, और इस पर भी स्थित सभी पॉइंटों की जो डिस्टेंस है, कहाँ से, इन सभी पॉइंटों की डिस्टेंस हमारी यहाँ से पृथ्वी के, जो हमारा अर्थ है उसके धरातल के सेंटर से, इसकी डिस्टेंस समान है। तो देखिए, ऐसी सरफेस, यहीं से हमारी डेफिनेशन निकल के आती है कि ऐसी सरफेस जिसकी पृथ्वी के केंद्र से दूरी, जिस पर स्थित ऐसी सरफेस जिस पर स्थित सभी पॉइंट्स की पृथ्वी के केंद्र से दूरी समान होती है, उसे हम कहते हैं लेवल सरफेस, यानी उसे हम क्या कहते हैं, समतल सतह कहते हैं। तो अब आप देखिए, अब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर ये समतल सतह कर्वेचर फॉर्म में आखिर क्यों है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि अर्थ का जो हमारा कर्वेचर है वो ऑलरेडी कैसे है, हमारे कर्व फॉर्म में है। जब अर्थ का सरफेस ही कर्व फॉर्म में है, तो इस पर आने वाली, इस पर स्थित जितनी भी हमारी लेवल सरफेस होंगी, वो भी हमारी कैसी होंगी, कर्व फॉर्म में होंगी। तो अब आप समझ गए यहाँ पर कि सबसे पहला पॉइंट हम क्या समझे, कि लेवल सरफेस एक ऐसी सरफेस है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से दूरी समान होती है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, जो भी मैं लेक्चर आपको ये लगातार दे रहा हूँ, उस लेक्चर्स के आप नोट्स बनाते जाइए। मैं 100% श्योर हूँ कि आपके नोट्स आपके बहुत ही बेटर होंगे और आपकी कंपटीशन के एग्ज़ामों में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो हम समझ गए कि लेवल सरफेस क्या है। लेवल सरफेस एक ऐसी सरफेस को कहते हैं जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से दूरी समान हो, उस सरफेस को हम क्या कहते हैं, लेवल सरफेस कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक मीन सी लेवल दिखा रखा है, इसका एक एग्जांपल क्या कह सकते हैं, एक शांत झील का जल, एक शांत झील का जल एक लेवल सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हमारी अर्थ कर्वेचर शेप में है, तो शांत झील का जल भी हमारा किस शेप में होगा, एक कर्वेचर शेप में होगा। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पर एक मैंने यहाँ पर लेक, यानी झील मैंने यहाँ पर ले ली, और इसका जो सरफेस है ये भी हमारा कैसा, एक लेवल सरफेस की तरह ट्रीट होगा। और इसमें लेवल सरफेस जो यहाँ पर है, इस लेवल सरफेस को हमने क्या मान लिया है, डेटम मान लिया है, और इस डेटम के रेफरेंस से पृथ्वी पर स्थित दो पॉइंट्सों के बीच में आसानी से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि उन पॉइंटों के बीच में एलिवेशन में, यानी उन पॉइंटों के बीच में ऊंचाइयों में क्या अंतर है। यहीं से हमारा बेसिक लेवलिंग का कॉन्सेप्ट भी यहाँ से निकलता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, ऐसी सरफेस लेवल सरफेस किसे कहते हैं जिसकी पृथ्वी के सेंटर से सभी पॉइंटों की इक्वल, आप यहाँ से लिखिए, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, लेवल सरफेस एक ऐसी सरफेस है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु की पृथ्वी के सेंटर से डिस्टेंस हमारी समान होती है। दूसरा पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि दो लेवल सरफेसों के बीच की डिस्टेंस हमारे हमेशा कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो देखिए, एक लेवल सरफेस ये है, दूसरी लेवल सरफेस हमारी ये है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेवल सरफेस LS1, यहाँ पर लिख देता हूँ लेवल सरफेस
टू यहाँ पर, तो दो जो हमारी लेवल सरफेस है और दोनों लेवल सरफेसों के बीच की डिस्टेंस हमेशा कैसी रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। उसका कारण क्या है, पृथ्वी के इस पर स्थित जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी पृथ्वी के सेंटर से डिस्टेंस समान है। दूसरा, इस पर स्थित जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी पृथ्वी से डिस्टेंस समान है। तो हम बड़ी डिस्टेंस में छोटी डिस्टेंस घटाएंगे, तो किसी भी पॉइंट पर अगर हम घटाएंगे तो हमें एक कॉन्स्टेंट डिस्टेंस हमें मिलेगी। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनता है कि दो लेवल सर्फेसों के बीच की दूरी हमेशा हमारी कैसी होती है, कॉन्स्टेंट होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लेवल सरफेस के बारे में हम ये कह सकते हैं कि जब हमारी पृथ्वी का धरातल कर्व शेप में है तो इस पर जो लेवल सरफेस होगी वो भी हमेशा कैसी होगी, कर्व शेप में होगी। तो पृथ्वी पर यानी हम ये कह सकते हैं लेवल सरफेस हमेशा कैसी होती है, कर्वेचर फॉर्म में होती है। यानी लेवल सरफेस क्या है, एक कर्वेचर सरफेस है। ये भी हम इसी पॉइंट से हम आंसर इसका निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए जब हम इंस्ट्रूमेंट को अर्थ पर लगाते हैं, हम जानते हैं कि लेवलिंग का जो वर्क है वो हम लेवल मशीन द्वारा करते हैं। अब यहीं से हमारी एरर का जन्म होता है, यहीं से हमारी एरर प्रोड्यूस होती है। तो एरर किस तरह से प्रोड्यूस होती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए सपोज कीजिए आपको यहाँ पर मैंने एक अर्थ पर एक पॉइंट ले रखा है, इस पॉइंट का मैं नाम ले लेता हूँ के पॉइंट है कोई ये, और दूसरा पॉइंट यहाँ पर एक अर्थ का सर्फेस का ये इस वाई लेवल सर्फेस पर कोई एक पॉइंट है एम। अब हमें पता करना है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना डिफरेंस है, इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना हमारा इनके एलिवेशन में कितना डिफरेंस है। तो हम कैसे पता कर सकते हैं, हम कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट लें, हम कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट लें जो लेवल सरफेस देता हो हमें। लेवल सरफेस का मतलब एक ऐसी सरफेस प्रोवाइड करता हो जो बिल्कुल इस कर्वेचर फॉर्म में होती हो। और हमने क्या किया, उस लेवल इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर रख दिया। देखिए मैं ब्लू मार्कर से यहाँ पर एक लेवल इंस्ट्रूमेंट मैंने यहाँ पर रखा, ये मैंने एक लेवली कोई मैंने टेलीस्कोप लेवल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर रखा, और हमने अर्थ पर यहाँ पर हमने कोई लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट रख दिया। अब जब आप लेवल इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं तो उससे एक लाइन ऑफ साइट निकलती है, और आप जानते हैं लाइन ऑफ साइट हमारी हॉरिजेंटल, एक सीधी लाइन ऑफ साइट हमारी कैसी होगी, एक सीधी लाइन ऑफ साइट हमारी एक हॉरिजेंटल हमारी कर्व शेप में ना होकर वो एक सीधी लाइन होती है। तो ये जो हमारी लाइन है वो कैसी है, हमारी एक हॉरिजेंटल लाइन है, और ये हमारी क्या है, लाइन ऑफ साइट। तो अब यहाँ से ही हमारी अर्थ जो आपने पढ़ा होगा लेवलिंग के अंदर एक कर्वेचर एरर होती है, दूसरी हमारी एक रिफ्रैक्शन हो रही है एरर होती है, वो सभी एरर्स के बारे में हम इससे नेक्स्ट अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल में हम समझते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट कभी भी हमें लाइन ऑफ साइट को कर्वेचर फॉर्म में प्रोवाइड नहीं करता है, इसी वजह से कुछ अर्थ कर्वेचर के कारण एरर और कुछ रिफ्रैक्शन के कारण हमारी एरर आती है, जिनको हम कुछ करेक्शन प्रोवाइड करके उन ठीक कर लेते हैं। यानी इस लाइन को हम ऐसे ट्रीट कर लेते हैं जैसे कि वो हमारी कर्वेचर शेप में आ रही है। तो लेवल सरफेस का नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि जब हम इस इंस्ट्रूमेंट से एक प्लम बॉब लाइन यहाँ से एक प्लम बॉब लाइन यहाँ से हम जब नीचे डालते हैं तो ये प्लम्ब ऑफ लाइन हमेशा लेवल सरफेस के 90 डिग्री पर, कैसे 90 डिग्री पर, आप ये कह सकते हैं कि लेवल सरफेस पर हमेशा प्लम्ब ऑफ लाइन यानी साहुल की जो रेखा है वो हमेशा 90 डिग्री नॉर्मल होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। आप चाहे इंस्ट्रूमेंट कहीं पर भी सेट करें, चाहे यहाँ करें, चाहे यहाँ करें, चाहे यहाँ करें, लेकिन प्लम्ब ऑफ लाइन हमेशा लेवल सरफेस को 90 डिग्री के एंगल पर कट करती हुई पृथ्वी के सेंटर की ओर आती हुई हमें प्रतीत होती है। तो ये था हमारा लेवल सरफेस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको यहां पर बताए। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लेवल लाइन किसे कहते हैं। लेवल सरफेस पर स्थित कोई भी रेखा हमारी क्या कहलाती है, लेवल लाइन कहलाती है। और लेवल लाइन भी हमेशा कैसी होगी, नॉर्मल टू द प्लम्ब ऑफ एट एवरी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। जो भी हमारी अर्थ सरफेस पर जो भी हमारे पॉइंट स्थित हैं उन सभी पॉइंटों पर लेवल लाइन भी हमारे लेवल लाइन जो होगी वो हमेशा कैसी होगी, प्लम्ब ऑफ लाइन के नॉर्मल होगी, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लम्ब ऑफ लाइन हमारी होगी। अब आगे बात करते हैं हॉरिजेंटल प्लेन या हॉरिजेंटल लाइन के बारे में कि आखिर हॉरिजेंटल प्लेन या हॉरिजेंटल लाइन क्या है। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर पृथ्वी लेवल सरफेस पर कोई भी एक पॉइंट लिया, मैं यहाँ पर पृथ्वी पर ये हमारा लेवल सरफेस है, ये लेवल सरफेस पर मैंने एक कोई पॉइंट लिया और यहाँ पर मैंने एक टेंजेंट प्लेन दे दिया। टेंजेंट प्लेन, ये जो प्लेन है वो कैसा है, टेंजेंट प्लेन है।
यानी एक स्पर्शीय तल, लेवल सरफेस के किसी भी बिंदु पर एक स्पर्श तल जो हॉरिजेंटल हो, जो इस तरह से हमारा लेवल सरफेस पर एक टच करे सिर्फ, वो हमारा स्पर्शीय तल जो हमारा टेंजेंट प्लेन होता है उसे हम हॉरिजेंटल प्लेन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल प्लेन कहते हैं, यानी क्षैतिज तल उसे हिंदी में कहते हैं। अब इस हॉरिजेंटल प्लेन में स्थित कोई भी रेखा, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में स्थित, जैसे सपोज कीजिए इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये लाइन स्थित है, ये लाइन स्थित है, तो ये सभी लाइनें क्या कहलाएंगी? हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन एक ऐसा प्लेन है जो किसी भी लेवल सरफेस के किसी भी बिंदु पर, किसी भी लेवल सरफेस के किसी भी बिंदु पर टेंजेंट प्लेन होता है, और यह प्लेन भी हमेशा प्लंबब लाइन के 90 डिग्री पर, नॉर्मल टू द प्लंबब लाइन होता है। और इसी प्लेन में, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही स्थित कोई भी लाइन, कोई भी रेखा जो स्थित होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? वो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। अब बात करते हैं हम वर्टिकल प्लेन किसे कहते हैं। देखिए, ऐसा प्लेन जो लेवल सरफेस को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करे, यानी ऐसा प्लेन, मैं यहाँ पर देखिए एक ब्लू कलर से यहाँ पर एक प्लेन बनाता हूँ, मैंने यहाँ पर बनाया एक प्लेन, ये एक प्लेन है जो कि हमारा 90 डिग्री पर, एक ऐसा प्लेन जो यहाँ पर मैंने एक प्लेन बनाया, ऐसा प्लेन जो हाँ लेवल सरफेस के 90 डिग्री पर, यानी नॉर्मल टू द लेवल सरफेस होता है, तो ऐसे प्लेन को हम कहते हैं वर्टिकल प्लेन कहते हैं उसे, हम क्या कहते हैं? वर्टिकल प्लेन। और ये हमेशा कैसा होगा? प्लंबब लाइन के पैरेलल होगा, प्लंबब लाइन के कैसा होगा? बिल्कुल समान होगा, इसकी प्लंबब लाइन के बिल्कुल पैरेलल ही चलेगा। तो ऐसे प्लेन को हम क्या कहते हैं? वर्टिकल प्लेन कहते हैं। और इस वर्टिकल प्लेन में स्थित कोई भी लाइन, सपोज कीजिए कोई लाइन है ए बी, तो वर्टिकल प्लेन में स्थित कोई भी रेखा हमारी क्या कहलाती है? वर्टिकल लाइन कहलाती है। और वो भी हमेशा कैसी होगी? हमारी इसी के पैरेलल या इसी प्लेन में स्थित होगी, तो किसी भी तरह से हमारी ये कंडीशन में स्थित हो सकती है। और हमेशा वर्टिकल लाइन जो होगी वो कैसे होगी? साहुल रेखा के, यानी प्लंबब लाइन के पैरेलल ही चलती है, और सेंटर, पृथ्वी के सेंटर की ओर जाती हुई हमें प्रतीत होती है। तो ये है हमारा वर्टिकल प्लेन एंड वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, और लेवल लाइन के बारे में कुछ हमारे छोटी सी मैंने आपको जानकारी यहाँ पर आपको दी है। आपको याद ये रखना है कि जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, हम लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, लेवल मशीन यूज़ करते हैं, उस मशीन में सबसे प्रॉब्लम यही है कि मशीन की टेलीस्कोप से जो लाइन ऑफ साइट निकलती है वो लेवल सरफेस नहीं होती है। इसी वजह से हम लेवलिंग के बाद कुछ एरर्स हमारी आती हैं, जिसे हम अर्थ कर्वेचर एरर कहते हैं, क्योंकि अर्थ कर्वेचर फॉर्म में है और कर्वेचर फॉर्म में हमारी लेवल सरफेस है, तो इस इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली लाइन भी अगर लेवल सरफेस के ही समांतर होती तो हमें कोई भी किसी भी टाइप की एरर का सामना करना नहीं पड़ता। लेकिन इस टेलीस्कोप से निकलने वाली लाइन हमारी सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और जिस वजह से कर्वेचर आती है, कर्वेचर एरर आती है, और वहीं से एक और एरर का हम जन्म होता है जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन एरर। तो दो टाइप के एरर्स हैं, इसे जस्ट अगले वाले लेक्चर्स में हम डिफाइन करेंगे वहाँ पर कि कौन कौन सी हमारी अर्थ कर्वेचर एरर को किस तरह से हम ठीक करते हैं और रिफ्रैक्शन एरर को किस तरह से ठीक करते हैं, इनका कंबाइंड इफेक्ट किस तरीके से पड़ता है। तो अगर इस टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट है स्टूडेंट, तो आप ज़रूर मुझे मैसेज करिए। फिलहाल मैं आपको मैं लेवल सरफेस के बारे में एक बार और डिफाइन कर देता हूँ कि लेवल सरफेस एक ऐसी सरफेस है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से समान दूरी होगी। दूसरा, लेवल सरफेस हमारी कर्वेचर शेप में होती है क्योंकि पृथ्वी का धरातल ऑलरेडी हमारा कर्वेचर शेप में है। तीसरा पॉइंट हमारा इसमें ये लिख सकते हैं कि दो लेवल सरफेस के बीच की डिस्टेंस हमेशा ही हमारी कैसी होती है? कांस्टेंट होती है, वो बदलती नहीं है। तीसरा हमारा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि लेवल सरफेस पर जितना भी हमारा प्लंबब है, प्लंबब हमारा कैसा होता है? 90 डिग्री पर एंगल बनाता है, और इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली लाइन कभी भी लेवल सरफेस नहीं होती है, वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जिसकी वजह से इसमें कर्वेचर एरर और रिफ्रैक्शन एरर का हमें सामना करना पड़ता है, और बाई करेक्शन उसको हम ठीक कर देते हैं। तो इस तरह से हमारी ये लेवल सरफेस के बारे में आपको छोटी सी जानकारी मैंने प्रोवाइड करी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चार टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, और मेरे अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।